देखो क्या है वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स। वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स है कि अगर आपके पास कोई भी एक कंटेनर है, जैसे ये कंटेनर है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और मैंने यहाँ एक होल कर दिया। होल को इस चैप्टर में ओरिफिस भी बोलते हैं, ओरिफिस कर दिया या फिर होल कर दिया, ऐसा न्यूमेरिकल्स में लिखा जाएगा कि कंसिडर ओरिफिस या होल। इसमें से होल बहुत पतला होल है, नेग्लिजिबल एरिया, इसमें से लिक्विड क्या करेगा, बाहर निकलेगा। तो जिस वेलोसिटी से लिक्विड बाहर निकलता है उस वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स बोलते हैं। निकलते ही वेलोसिटी क्या है, वो एफ्लक्स की वेलोसिटी है, ये निकालना है मुझे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये मान लो एक कंटेनर है, ये होल है, और होल से लिक्विड की हाइट ऊपर की कितनी है, एच है, और ग्राउंड से कितनी है, एच डैश है। लिक्विड बाहर निकला, ग्रेविटी के अफेक्ट में वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, प्रोजेक्टाइल, और वो नीचे गिर रहा है, रेंज आर। मुझे एफ्लक्स निकालना है। अब कैसे निकलेगी ये वेलोसिटी, वो समझने के लिए एक पॉइंट को समझो। क्या, जब ये लिक्विड में, जब ये लिक्विड बाहर निकलेगा, सबसे पहले कौन से लिक्विड के पार्टिकल की बारी आएगी बाहर निकलने की, जो इमीडिएटली यहां पर होगा, फिर ये वाला, 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 फिर नेक्स्ट लाइन आएगी ये वाली। क्यों? क्योंकि जब तक वो पानी नीचे आएगा तो पूरी लाइन यहां सेट होएगी, फिर बाहर निकलेगी। पानी का लेवल तो ऐसे गिरेगा ना, ऐसे जाता जाएगा, ऐसे गिरता जाएगा, ऐसे जाता जाएगा, अगला लेवल ये आया, ये चला गया, ऐसे ही होगा। तो इमेजिन करो एक मिनट के लिए, ये रूम रूम नहीं है, आप स्टूडेंट्स नहीं है, आप पानी के पार्टिकल्स हैं, और इतने नहीं है, लाखों करोड़ों हैं इस रूम में, भरे भरे हैं, जगह ही नहीं है, मतलब इधर से उधर होने की, धक्का मुक्की पूरी पड़ी हुई है, मतलब हिलना तो बड़ी दूर की बात है। और ऊपर से मैंने यहाँ पे खिड़की बना दी, हल्का सा होल, एक ही बंदा निकल सकता है इसमें से बस, और निकलना सबको है। अब क्या होगा, क्योंकि फंसे पड़े हैं सारे, सबको निकलना है, तो क्या होगा, जो वहाँ पे पार्टिकल होगा, सारे पार्टिकल उसे क्या मारेंगे, धक्का मारेंगे, तू तो बाहर निकल, प्रेशर पड़ेगा ना, तो वो निकलते ही हवा में बहुत तेज जंप करेगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, एकदम बहुत तेजी से बाहर निकलेगा। लेकिन जब तक वो अंदर है कंटेनर के, वो हिल भी नहीं पा रहा, तो उसकी स्पीड निग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट जीरो है। जब तक ये पार्टिकल पानी के अंदर है, तो आगे पानी के अंदर इसकी स्पीड कुछ भी नहीं है, लेकिन बाहर निकलते इसकी स्पीड काफी हो जाएगी। इसलिए जब मैं बर्नौलीज थ्योरम लगाऊंगा, मैं कहाँ लगाऊंगा, मैं एक पॉइंट लिक्विड के इस एक लाइन खींच लूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होने, कोई एक पॉइंट इसके अंदर ले लूंगा लिक्विड के, और एक पॉइंट निकलते ले लूंगा बाहर वाई, एक्स एंड वाई, और एक्स और वाई पे बर्नौलीज लगाऊंगा। तो एक्स और वाई पे बर्नौलीज लगाई, तो ये इक्वेशन एक्स की और ये वाई की, पोटेंशियल एनर्जी को तो छोड़ ही दो, ये तो काट दिया मैंने ऐसे ही। एक्स पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा बताओ, एच रो जी ड्यू टू लिक्विड और प्लस एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो चेक करो, पी ऑफ एक्स की जगह पी एटमोस्फेरिक प्लस एच रो जी डिवाइडेड बाय रो, वी एक्स की जगह जीरो, अंदर के पार्टिकल की वेलोसिटी नेग्लिजिबल है, ये नहीं कि जीरो होती है, ऑलमोस्ट जीरो, ना मात्र। वाई पॉइंट हवा में आ गया, वहां पर कौन सा प्रेशर है, सिर्फ एटमोस्फेरिक, और वेलोसिटी बाहर निकलती वाई पॉइंट पर क्या बोलते हैं, एफ्लक्स। क्लियर है, वैल्यूज पुट कर दी, यहां से पी एटमोस्फेरिक बाय रो, एच रो जी बाय रो, रो रो कैंसल एच जी, ये टर्म आ गई, ये टर्म इससे क्या हो गई, कैंसल। सॉल्व करके एफ्लक्स का फॉर्मूला आ गया, नोट करो फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 2gh, वेयर h क्या है, h हाइट है, कहां से, होल से, कहां की, टॉप ऑफ दी लिक्विड की। तो लिक्विड का जो लेवल है और जो होल है, इनके बीच में जो दूरी है वो कितनी है, वो h है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो ये हाइट क्या है, ये h हाइट है, ठीक। तो यानी कि अगर होल से लिक्विड की हाइट में ज़्यादा कर दूं, तो बहुत तेज़ी से पानी निकल के आएगा, और अगर ये हाइट कम होती गई, लिक्विड का लेवल और होल के बीच में हाइट कम, तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स कम हो जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ये स्कूल लेवल एनसीईआरटी फॉर एनसीईआरटी लिखो इस पे, बिल्कुल। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है, रेंज निकालो, लिक्विड कितनी दूरी पर जाके गिरा, प्रोजेक्टाइल का लगाओ कॉन्सेप्ट, निकलती वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, ठीक है। तो हाइट एच डैश है, तो वाई एक्सिस में एच डैश इज जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, टाइम आ गया नीचे गिरने का,
और रेंज में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यू कैन अप्लाई एस इज इक्वल टू वी टी, तो आर इज इक्वल टू वी एफ फ्लक्स इन टू टी, वी एफ फ्लक्स अंडर रूट ऑफ 2gh, टाइम हमने निकाल लिया, मल्टीप्लाई करो, करेक्शन है यहाँ पर, 2 अंडर रूट के अंदर नहीं आएगा, 2 इंटू 2 का रूट 2 बाहर आएगा, तो यहाँ 2 लिखो, तो रेंज का फॉर्मूला आएगा 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एच एच डैश, ये करो, वेयर एच का मतलब होल से ऊपर की हाइट लिक्विड की, एच डैश का मतलब होल से नीचे की हाइट ग्राउंड तक की, तो रेंज दोनों हाइट पर डिपेंड करती है, होल के ऊपर की हाइट, होल के नीचे की हाइट, तो ये रेंज का फॉर्मूला भी याद करो।